अब ठीक आ रही है बेटा? अब ठीक है? ओके okay. अब हमें समझना है कि पॉलिनेशन कैसे होगा. नाउ बिफोर वी स्टार्ट दी पॉलिनेशन, एक क्वेश्चन हमें करना होगा बेटा. क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन टेक प्लेस टू फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है. हाउ मैनी माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस टू फॉर्म वन मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स. लगाओ बेटा दिमाग, कितनी होनी चाहिए? पहले हम मेल की बात करते हैं. ठीक है. मेल की एक सेल थी MMC, दिस इज द डिप्लॉयड वन, जिसे हमने बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब बेटा मियोसिस हुई थी पहले, आफ्टर द मियोसिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फोर टाइप टेट्रार्क्स. ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्रार्क. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे. ठीक. अब इसके बाद क्या हुआ था बेटा? इसके बाद इनमें से ये चार अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है, चारों अलग अलग हो गए थे, ये रहे आपके. और इन चारों में फिर प्रोसेस हुई थी हमने. हाँ, नवदीप ने आंसर दिया है तीन. समझते हैं बेटा जरा, लाइट क्लियर है? वीडियो सही दिख रहा है? वो रिफ्लेक्शन आ रहा था तो मैंने पीछे वाले लाइट ऑफ कर दिया. ठीक. अब इसमें बेटा क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे हम इसके बाद. मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट था, अब इसमें क्या हुआ था बेटा? पहले हुई थी माइटोसिस. माइटोसिस के बाद जो आपको ध्यान है, जो मेल गैमेटोफाइट में एक बन गई थी आपकी जेनरेटिव सेल, और ये आया था बेटा वेजिटेटिव सेल. ठीक. एग्जाइन टाइम वाली बात, वही पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर बन के निकल कर आया. ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद. तो एक तो मियोसिस हो गई, एक माइटोसिस हो गई. अब फिर इसके बाद क्या हुआ था बेटा? इसके बाद कोई बच्चा बताएगा मुझे क्या हुआ था? चलिए, मैं टाइम नहीं वेस्ट करते, हम आगे समझते हैं. इसके बाद फिर बेटा मैंने आपको बताया था जनरेटिव सेल में एक माइटोसिस और होगी, तब जाकर टू मेल गैमेट्स बनेंगे. और मैंने बताया था 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ये काम पॉलिनेशन से पहले हो जाएगा. ठीक है, शेडिंग होने से पहले पोलन ग्रेन्स के. और 40% एंजियोस्पर्म्स में ये काम तब होगा, कब होगा, जब, सॉरी मैं उल्टा बोल गया बेटा. 60% एंजियोस्पर्म तो टू सेल्स में रिलीज होगा, मतलब दो ही सेल में इस फॉर्म में रिलीज करेंगे 60% एंजियोस्पर्म. और जेनरेटिव सेल माइटोसिस शो करेगी जब जाकर स्टिग्मा पर लग जाएगा ये. ठीक है, बाकी 40% में ये काम पहले ही हो जाना है, लेकिन काम दोनों में होगा. होगा क्या बेटा? जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी और जनरेटिव सेल से क्या बनने जाएगा, दो मेल गैमेट्स बनेंगे, टू मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, ये जनरेटिव सेल से, ये है टू मेल गैमेटोफाइट और ये आपकी वेजिटेटिव सेल है. ठीक. सो इन द मेल वन मियोसिस और दो माइटोसिस डिवीजन हुए बेटा,
टू प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट। समझ आ गया बच्चों? जल्दी से नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो पूछो, और जैसे ही हो जाए मुझे पिंग करो। क्विकली करो बेटा, मेक इट फास्ट। अब लाइट और बेटर होगी। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसी में? रवि ने बोला नो सर। नो सर। ओके सर। ओके बच्चों, सभी बच्चे ज्वाइन हैं, वेरी गुड, 21 स्टूडेंट्स। चलो इसके बाद हम जल्दी से या फीमेल वाला और देखेंगे, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल। रब कर दूं बच्चों, हो गया होगा आप तो। ओके नाउ लेट्स सी हाउ इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब बात फीमेल की आगे बेटा, चीज वही है, एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल दैट इज डिप्लॉयड। ठीक है बच्चे, डिप्लॉयड मियोसिस के बाद उस वाले में हैप्लॉयड लगा लेना। ठीक बेटा, अब इसमें पहले मियोसिस हुई थी, मियोसिस होने के बाद बेटा आपके चार लीनियर टेट्राड फॉर्म हुए थे। ठीक है, दीज ऑल फोर आर हैप्लॉइड एंड ऐसे ही मेल में भी आप हैप्लॉइड लगा लेना मियोसिस के बाद। ठीक है, अब मियोसिस होने के बाद अब बेटा तीन इसमें डिजनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल रहता है, चेलेस्टल एंड वाला फंक्शनल रहता है। ठीक है, तो ये फंक्शनल रहेगा। ठीक है, दैट इज फंक्शनल। अब जो फंक्शनल था उसमें होगी माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद उस एक सेल से बेटा दो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डायाड कंडीशन। ठीक है, दैट इज डायाड कंडीशन। आयुष ने बोला फोर माइटोसिस, देखते हैं बेटा फोर कैसे होंगी, अभी समझेंगे, फोर तो नहीं होंगी यार। ठीक है, डायड, अब डायड के बाद दूसरी माइटोसिस होगी। ठीक है, दूसरी माइटोसिस होगी तो बेटा चार बन जाएंगे। ठीक है, टेट्राड। ठीक, इसे बोलेंगे बेटा मेगा स्पोर टेट्राड। आप कंफ्यूज ना हो जाना, बच्चों वाली बातें मत कर देना, सर यहाँ भी टेट्राड बन रहा है, वहां भी टेट्राड। यस, इशिका इज राइट, तीन माइटोसिस होंगे। अब इसके बाद होगा बेटा, चार के बाद एक माइटोसिस और हुई थी, ये मैंने क्या लिखा दिया बच्चों, थोड़ी गलती हुई है, इसमें साइटोकाइनेसिस बाद में होती है बेटा, सॉरी स्टूडेंट्स। ठीक है, गलती हुई थोड़ी सी, इसमें साइटोकाइनेसिस बाद में होती है बेटा, थोड़ा एडवांस है ये। ठीक, केवल न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस होती है पहले, है ना, तो आप सेल्स का डिवीजन नहीं दिखाएंगे, केवल दो न्यूक्लियस दिखाएंगे बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर भी फिर दो चार न्यूक्लियस दिखा देंगे।
ठीक है, जैसा ही मैंने आपको बना के दिखाया था ना, और उसके बाद चार के बाद आप दिखा देंगे आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। तो ये बेटा तीसरी माइटोसिस थी आपकी, तीसरी माइटोसिस। अब माइटोसिस के बाद लास्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस हो रहा था, बट दिस दैट इज द पार्ट ऑफ माइटोसिस। हमें देखना है इसमें नंबर ऑफ माइटोसिस कितनी हुई। तो एक दो तीन, तीन माइटोसिस और एक मियोसिस, ठीक है। सो थ्री, पहले लिखते हैं मियोसिस, लिखते हैं वन मियोसिस और थ्री माइटोसिस, ठीक बेटा। अब मैं पूरा बना लो, चाहे इसको साइटोकाइनेसिस दिखा दो, वही एम्ब्रियो सैक वाला डायग्राम बन जाएगा जो ऐसे सेल्स बनी थी, ठीक है बच्चे। ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, ये तो हम अच्छे से बना ही चुके हैं, ठीक। तो देखो बेटा, मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस क्वेश्चन में ये जानना था हमने, तो उसका रिजल्ट ये आया। क्लियर हुआ? जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो बेटा। अब इस पे बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको, ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, इम्प्लॉयडी के ऊपर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, चाहे मेल के और फीमेल के ऊपर भी, ठीक है। लाइक एंडोस्पर्म में कितनी प्लॉयडी मिलेगी आपको बाद में समझ में आएंगे अभी, ठीक है। इसकी एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल की डिप्लॉयड प्लॉयडी है, इनकी हैप्लॉयड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, सब चीजें आप जानते हो, पढ़ चुके हो, उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस अलग से करा है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इससे आप क्वेश्चन कर सकते हो बड़े आसानी से। जैसे ही कंप्लीट हो जाए बेटा तुरंत बताएं। वन्ना ईशिका ने डन लिख दिया, बाकी बच्चों का हो गया? रब कर दूं बेटा? आज अर्नब नहीं दिख रहा, कहां गया? चलिए Now, this is the new topic, pollination. अब हम देखेंगे बेटा pollination कैसे हो रहा, ठीक है। बड़ा important है, बड़ा interesting भी है समझने में। There are two types of the pollination. पहली बात तो pollination आपको पता ही है, बड़ी छोटी basic definition बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, transfer of male gametophyte anther to the stigma, है ना, of female, ठीक, that is the pollination. अब उसको हम डिटेल में समझेंगे। There are two types of pollination. पहला है बेटा सेल पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोगैमी और जीनोगैमी, ये दो चीजें आएंगी इसमें। या सेल्फ पॉलिनेशन को बेटा ऑटोगैमी ना लिख के ना इसके दो टाइप्स लिखे जाएंगे, यहाँ पे ऑटोगैमी ना लिखो आप, एक्चुअली इसके अलग टाइप को बोलते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, पहला आ गया बेटा ऑटोगैमी, दूसरा आ गया गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी, ठीक।
अब देखते हैं ये क्या होते हैं बेटा, पहले मैं समझा दे रहा हूं आपको, ढंग से समझना। ऑटोगैमी क्या होता है, अगर बच्चे बाइसेक्सुअल फ्लावर में, जो कि कुछ कुछ ऐसा होता है जिसमें आपके एंथर भी होते हैं और मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, अगर बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर इस तक ट्रांसफर हो जाएं, ठीक है, स्टिग्मा तक, सेम फ्लावर, सेम प्लांट की बात नहीं कर रहा मैं, सेम फ्लावर, उसे बोलेंगे ऑटोगैमी, ठीक है, सेम फ्लावर। अब कंडीशन दूसरी आती है बेटा, मान लो प्लांट मोनोशियस ही है, ये प्लांट है, ठीक, इस प्लांट पे एक कोई फ्लावर है, दैट इज मेल फ्लावर, ठीक है, और एक फ्लावर और है इस पे, दैट इज फीमेल फ्लावर। ऐसा हो जाता है बेटा, ठीक है, कंडीशन मोनोशियस ही आएगी क्योंकि प्लांट अलग नहीं हुआ है, मोनोशियस, ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके एंथर अगर ट्रांसफर हो जाए इस फीमेल के स्टिग्मा पर, तो उसे बोलेंगे गिटिनोगैमी। क्लियर हुआ बेटा, लाइक एंथर ऑफ वन फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, सेम फ्लावर नहीं, अदर फ्लावर, बट ऑन सेम प्लांट, तो इसमें लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और इसमें था ट्रांसफर ऑफ एंथर वगैरह, वही डेफिनेशन जो उधर लिखी है, ऑफ सेम फ्लावर, दोनों बातों में बहुत अंतर है, इसको अभी हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन का थोड़ा सा बता दूं, फिर इस पे फिर आऊंगा मैं दोबारा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है बच्चे, डायोशियस प्लांट है, मतलब एक प्लांट है जिसपे मेल फ्लावर है, केवल सारे ही मेल फ्लावर है इस पे, और एक प्लांट है जिसपे केवल फीमेल फ्लावर है, जैसे आपका पपाया वगैरह, इसे बोलते हैं डायोशियस प्लांट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर प्लांट ही चेंज हो गया, इसके एंथर इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ एंथर From one flower to the other flower of different plant, that is the main point of different plant. तो उसको बोलेंगे cross pollination. क्या बोलेंगे? Cross pollination और xenogamy. यहां तक किसी बच्चों को कोई doubt? जल्दी बताएं मुझे, जल्दी लिखें इस चीज को। ओहो अर्नब तुम आ गए, चलो। अब बेटा जिटोनोगैमी को मैं एक बार और बताता हूं, आसानी से समझेंगे। देखो बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन में एक डेफिनेशन बताई जाती है कि देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पॉलिनेटर, कोई ट्रांसफर एजेंसी का यूज होना उसमें कंपलसरी है, दैट्स व्हाई तभी क्रॉस पॉलिनेशन माना जाएगा। मतलब या तो हवा की जरूरत पड़े, या इंसेक्ट की जरूरत पड़े, या पानी की जरूरत पड़े, किसी भी चीज की जरूरत पड़े, पड़ेगी जरूर, ठीक है, तभी वो क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि गिटेनोगैमी में भी तो बिना हवा के यहां से यहां ट्रांसफर तो हो नहीं जाएगा, भले ही प्लांट एक हो, हवा की जरूरत तो इसमें भी पड़नी है, there is a requirement of medium, या insect की जरूरत पड़नी है, तो ये cross pollination क्यों नहीं है,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे, और ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर समझाते हुए बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन में मैं इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन वेरिएशन नहीं आएगा, हाँ अर्नब ने सही बात पकड़ी, ठीक है वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि सेम प्लांट है। तो बेटा देखो समझो जरा इस चीज को, गिटेनोगैमी में अगर फंक्शनली देखा जाए काम के बेस पर, तो फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, और अगर जेनेटिकली देखा जाए तो बेटा ये सेल्फ पॉलिनेशन। इसीलिए मैंने सेल्फ पॉलिनेशन के यहां से ऑटोगैमी हटा दिया था, बिकॉज ऑटोगैमी को में फिर वो नहीं आएगा। हालांकि ऑटोगैमी पूरा एक सेल्फ पॉलिनेशन माना जाता है, ठीक है, बट ये टाइप आ जाते हैं दोनों के। तो बेटा इसमें क्या हुआ, फंक्शनल अगर देखा जाए इसका फंक्शन, तो दे यूज द मीडियम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, बट ये जेनेटिकली सेल्फ है क्योंकि डीएनए नहीं चेंज हुआ, डीएनए प्लांट का वही रहा, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्रॉस पॉलिनेशन का वो यही है कि वेरिएशंस बने, कि डीएनए में चेंज आए, ठीक है। तो जब मेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर हुआ तो फायदा क्या हुआ उस मीडियम को इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो बेटा इसको बीच का लिंक माना जाता है, सेल्फ का और क्रॉस का, ठीक है, समझ आ गई। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस में मिले गिटेनोगैमी पुट कर रखा हो और सेल्फ पॉलिनेशन पूछे, तो पहले सेल्फ पॉलिनेशन का ध्यान आप ऑटोगैमी से देना बेटा, क्योंकि ऑटोगैमी इज कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपकी नजर में ये आना चाहिए, ठीक, और जीनोगैमी तो है ही अलग। इसको लिखो बेटा जल्दी, जब हो जाए मुझे तुरंत बताओ। एनी एग्जाम्पल ऑफ गिटेनोगैमी, एग्जाम्पल्स आएंगे बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, अभी अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो बस आपको मैंने ओवरव्यू दिया है। हो गया बच्चों, चलिए मैं रैप करता हूं। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन को पहले स्टार्ट करने वाले, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझें। अब देखना बेटा क्या है सेल्फ पॉलिनेशन, और उसमें भी ऑटोगैमी देखते हैं, ठीक है, ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो क्या होता है बच्चों, जो प्लांट जिस तरह का मेथड अपनाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो अपने अंदर उस तरह के चेंजेस करता है, ठीक है, अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट करता है, ठीक, हम लोग भी कर रहे हैं। तो प्लांट्स ने भी जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं ना, उन्होंने कुछ चेंजेस अपने अंदर ऐसे कर रखे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाए, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे वो एडेप्टेशन, फिर देखेंगे इनकी एडवांटेज, फिर देखेंगे हम डिसएडवांटेज। तो पहले है बेटा क्या है, एडेप्टेशन ऑफ प्लांट, प्लांट ने क्या एडेप्टेशन करी। टू एंश्योर
सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो बड़ी अच्छी पहली है एडप्टेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान भी है। जब तक फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होंगे, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर फ्लावर ही बेटा बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल वॉल ऑन सेम फ्लावर। इसको बेटा मोनोक्लिनी भी बोला जाता है। अगर मोनोक्लिनी के नाम से आपसे पूछ लिया जाए तो ये सेम बात है। पहला एडेप्टेशन हुआ। दूसरा एडेप्टेशन क्या होगा बेटा? होमोगैमी। होमोगैमी बच्चों बताओगे क्या होगा होमोगैमी? होमोगैमी मींस चलिए मैं बताता हूं। होमोगैमी बेटा क्या होगा? देखो, भले ही चाहे मेल एंड फीमेल वॉल, मेल एंड फीमेल, अच्छा किसी बच्चे ने बताया, मैं देखूं जरा क्या बताया। सिमिलर गैमीट्स, सोशल बैकग्राउंड, नहीं समझेंगे तो देखें। अब बेटा अगर मान लो मेल गैमीट मैच्योर हुआ सितंबर के महीने में और फीमेल गैमीट मैच्योर हो रहा है दिसंबर के महीने में, 2 महीनों का गैप आ गया, तो क्या फायदा? ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं पाएगा। होमोथैलस होमोगैमी, होमोथैलस थोड़ी अलग चीज हो गई बेटा। ठीक है, वो सिमिलर साइज के गैमीट्स थे, यहां बात अलग है। यहां क्या है बेटा कि दोनों ही एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों वोल सेम टाइम पर मैच्योर होने जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो स्टिग्मा में अभी ढंग से ओव्यूल्स नहीं बन पाए ओवरी के अंदर, ठीक, और मेल मैच्योर हुए पड़ा है, पोलन्स बन गए, ठीक है, तो बेटा उनका टाइम तो अलग अलग हो गया ना, तो सेल्फ पोलिनेशन होने में दिक्कत आएगी ना। ठीक है, तो प्लांट्स ने अपने अंदर एडेप्टेशन करी और होमोगैमी को बढ़ावा दिया, लाइक मैच्यूरेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स लिख देता हूं एट सेम टाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसके बेस पे इसे क्रॉस पॉलिनेशन में बड़ा अच्छा इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, सो दोनों का मैच्यूरेशन का टाइम सेम होना चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, हो गया बेटा यहां तक। अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा है, क्लिस्टोगैमी। ये तो बच्चों को पता ही है, बहुत से बच्चे ने एक बार जिक्र भी किया था मेरे सामने। क्लिस्टोगैमी क्या होता है बेटा? क्लिस्टोगैमी होता है बच्चों फाउंड विज नेवर ओपन थ्रू आउट लाइफ। हाँ, मितेश ने पहले मुझसे बताया था क्या होता है बेटा। ये कुछ फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं। बहुत सही, बड़ा लंबा मैसेज टाइप किया है अर्नव ने, वेरी गुड। इसमें क्या होता है बेटा कि फ्लावर को ना कवर कर लिया जाता है। मान लो ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, इसी के अंदर मेल पार्ट है, ऊपर से कोई चीज कवर कर लेगी, इसे बोलते हैं क्लोज फ्लावर। अब जब कवरिंग किसी चीज की तुमने कर दी तो पोलन्स का तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं होता, ना बाहर से कोई पोलन्स आने का सवाल होता, तो क्रॉस पोलिनेशन होने से तो रहा।
ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं क्लिस्टोगैमी इस प्रोसेस को, और इन फ्लावर्स को बोलते हैं बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। सो कुछ प्लांट्स ने क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स को बढ़ावा दिया, ठीक है बेटा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर को बढ़ावा दिया जिससे सेल्फ पॉलिनेशन, टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। अभी इसके एक दो एग्जांपल्स हम देखेंगे। ऊपर का रब कर दूं बच्चों, हो गया। चलिए अब बेटा ऐसे भी फ्लावर हो प्लांट होते हैं जिसमें एक तो होता है क्लिस्टोगैमस, एक होता है, एक दूसरा टाइप कौन बताएगा, चेस्मोगैमस, सुना होगा शायद आपने, चेस्मोगैमस फ्लावर, और दूसरे हो गए क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है। मान लो एक तो हो गया ये बेटा ओपन फ्लावर, ये मान लो ओपन फ्लावर है, ठीक है, और एक ये हो गया क्लोज फ्लावर बड की तरह, ठीक है। तो ये हो गया क्लिस्टोगैमस और ये हो गया चेस्मोगैमस। ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, या सीसी का बेटा, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर फ्लावर के, चेस्मोगैमस ओपन फ्लावर, ठीक है, क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर, ठीक है। अब हमें एग्जांपल्स जो पढ़ने हैं वो देखने हैं बेटा कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें दोनों तरह के फ्लावर मिलते हैं। यस सर ना, वेरी गुड, एक्सपोज रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एग्जाम्पल है बेटा, पहला एग्जाम्पल है वियोला ऑक्सेलिस, ये है दो एग्जाम्पल, और एक और आएगा कॉमिलीना, ठीक है, कॉमिलीना ऑक्सेलिस एंड वियोला, दीज आर दी थ्री प्लांट्स विच कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ दी फ्लावर, ठीक। तो डिपेंड करेगा अब ये उनके ऊपर, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए या क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं बेटा इसमें। इसमें जीन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लांट एडेप्टेशन कर रहा है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। नवदीप रिपीट कहां से करना है बेटा, ये क्लैस्मो नहीं है बेटा, चेस्मो है, सी एच है, ये सी एल नहीं है, चेस्मो गैमस फ्लावर है बेटा ये, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, हम पढ़ रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन में वो प्रमोट करते हैं क्लोज्ड फ्लावर जिन्हें हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर बेटा क्या करते हैं, फ्लावर को क्लोज कर लेते हैं, उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाएगी, तो जब कवरिंग बन गई तो उसी के अंदर एंथर भी है, उसी के अंदर स्टिग्मा भी है, ओवरी भी है, तो दोनों का आपस में फ्यूजन हो ही जाना है, नो डाउट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस 0% है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रमोट हो गया, ठीक है। अब दूसरे तरह के फ्लावर होते हैं कैस्मोगैमस, चेस्मोगैमस फ्लावर, ये बेटा ओपन फ्लावर होते हैं जैसे नॉर्मल फ्लावर, इन्हें चेस्मोगैमस फ्लावर बोला जाता है। ये बेटा ये ओपन फ्लावर होते हैं और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट कर देते हैं कि बाहर से भी पोलन आए तो एक्सेप्टेबल है, नो डाउट, ठीक है। तो हमारा मेन है इसमें, ये मैंने इसलिए बताया बेटा क्योंकि इनके तीन एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं तो इसका मेन रोल तो आपको क्रॉस में समझना है, ठीक है। ये तीन एग्जांपल्स ज्यादातर पूछे गए हैं, वियोला ऑक्सेलिस कॉमिलीना, ये तीन वो एग्जांपल है जिन पर चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों तरह के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ, रब कर दें।
चलिए वेरी गुड, तो ये तो हो गई बेटा अडेप्टेशंस, इतनी अडेप्टेशंस काफी हैं। अब जरा एडवांटेज देखते हैं, देखेंगे एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। पहले क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज देखेंगे हम, ठीक है? क्या एडवांटेज हो सकती है बेटा, कोई बताएगा? कोई बच्चा दिमाग लगाएगा? नवदीप, ये वेरिएशन नहीं होगा तो ये एडवांटेज हो गई, ये तो डिसएडवांटेज हो गई। देखो भैया, पहली एडवांटेज सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। ये एडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन की या ऑटोगेमी की भी मानी जाएंगी, ठीक है? डिसीज नहीं होगी, अच्छा जरूरी तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चांसेस है बट जरूरी नहीं है। कोई देसी वाला वैरायटी नहीं आया, अच्छा डिसीज वाला वैरायटी नहीं आया। देखो सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी गुड मुस्कान, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन्स इज नॉट रिक्वायर्ड, सेल्फ पोलिनेशन प्रमोट हो रहा है, वह तो करी नहीं है। पहले मैं एडवांटेज बता रहा हूँ क्लिस्टोगैमी की, फिर एक दो एडवांटेज सेल्फ पोलिनेशन की बताऊंगा। क्लिस्टोगैमी मतलब क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर की बेटा सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, इट एंश्योर द फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन। देखो बेटा, ये प्लांट है, ये कोई ह्यूमंस नहीं है जो बड़े दिमाग लगा के अपनी फर्टिलाइजेशन को बिल्कुल अच्छे से हम ढंग से कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना आए, दुनिया भर के अस्पताल बना लिए हमने, ठीक है। इनकी चीजें बेटा बहुत कुछ नेचर पे डिपेंड है, या सर ना ये भी है, ठीक है बेटा, तो इनकी चीजें नेचर पर डिपेंड है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में मीडियम पे बहुत कुछ डिपेंड है, तभी बहुत सारे पोलन्स बनाने पड़ते हैं, क्या पता फर्टिलाइजेशन हो पाया ना हो पाया। बट क्लिस्टोगैमी फ्लावर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, होगा ही होगा, सीड बनेंगे ही बनेंगे, जनरेशन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। यस रवि, हाँ ये पॉइंट भी हो सकता है बेटा, तो ऐसे काफी सारे पॉइंट बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इंश्योर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सीड फॉर्मेशन, ठीक। दूसरा है नो नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा है इट इज अ चीपर प्रोसेस फॉर प्लांट्स, कैसे चीपर है, ना ही तो नो नेक्टर फॉर्मेशन, ना ही तो नेक्टर बनाना पड़ा, नो फ्रेग्रेंस, ना ही किसी तरह की फ्रेग्रेंस बनानी पड़ी, ठीक है। ये फ्रेग्रेंस, ये नेक्टर, ये किसके लिए बनाते हैं, ये फ्लावर्स के हमारे लिए बना रहे हैं, इन्हें चाहिए भैया पॉलिनेटर्स जो इनका काम कर सके, जिससे वो अट्रैक्ट कर सके उनको, ठीक है। उस तरह की चीजें फिर इन फ्लावर्स में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, समझ आ गया बेटा बात। और कई सारी इसके एडवांटेज आप खुद भी बना सकते हो, नो डाउट। डिसएडवांटेज क्या होनी चाहिए, डिसएडवांटेज बेटा यही होगी कि जेनेटिक डायवर्सिटी को लिमिट कर रहा है, डिसएडवांटेज भी साथ में लिख ले, लिमिटेड द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, लिमिटेड द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक। लिखो बेटा जल्दी, तुरंत बताओ मुझे, may lead to the weakening of variety, just wait beta।
देखो अर्नब होता क्या है, मेरी बात समझो, क्रॉस पॉलिनेशन बेटर है, जेनेटिक वेरिएशंस अच्छे होते हैं, जरूर है वो जेनेटिक्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बट वो डिपेंड करता है बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्योर लाइन ज्यादा सही रह जाते हैं, ऐसा भी है, तो दोनों किस चीजें डिपेंड करती है। हाँ, जरूरी ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जेनेटिक डायवर्सिटी अगर मिले तो उसके अंदर अच्छी तरह की करेक्टर्स डेवलप्ड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात। अब जैसे शुरुआत में जब ये प्रोसेस आई थी गाय भैंसों को क्रॉस कराने की, तो बड़ी प्रचलित हुई, सब जर्सी गायें और सारे हिंदुस्तान में हो गई, लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है कि प्योर लाइन बेटर, आज समझ में आ रहा है साहिवाल गाय, गिर गाय वो बेटर थी, ठीक है, तो इट्स डिपेंड बेटा, ये डिपेंड करता है। हाँ, एक प्रॉब्लम तो सेल्फ पॉलिनेशन में रहती है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जेनेटिक डिसीजेस बनने के चांसेस ज्यादा होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलेंगे उसको। अभी मैं आपको सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज और लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए इधर कर लेता हूं मैं, इधर सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज देखते हैं बेटा। इसके एडवांटेज जो वैसे इसके होंगे वो उसमें भी यूज होंगे ही होंगे, नो डाउट, बट एक दो चीजें हम और लिख लेते हैं, जैसे बेटा मेंटेनेंस ऑफ प्योर लाइन, ठीक है, जीन्स का मिलावट नहीं हुआ तो दैट विल बी आल्सो बी द एडवांटेज आल्सो, ठीक है, तो प्योर लाइन को मेंटेन करे हुए है बेटा, ठीक। और दूसरा क्या है, नो नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्शन, जब क्रॉस पॉलिनेशन में ही तो ज्यादातर पोलन की जरूरत पड़ती है बेटा, पता चला इतने सारे हवा में गए उड़ के, कौन सा पहुंचा कौन सा नहीं पहुंचा, बट सेल्फ में तो कम ही काम चल जाएगा, ठीक है, तो दिट इज आल्सो द एडवांटेज। और एक एडवांटेज तो यही है, नो नीड ऑफ एनी एजेंसी और पॉलिनेटर। और डिसएडवांटेज बेटा बस एक बताई जाएगी इसकी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वही बात हो गई कि देखो क्या होता है, जीन्स जो क्रोमोसोम्स पर अटैच्ड हैं, अगर कई जनरेशन तक सेम जीन्स ही आपस में क्रॉस होती चली जा रही हैं, तो उनका जीन पूल को वेरिएशन मतलब और नई जीन्स के साथ पेयर करने के चांसेस कम मिल रहे हैं, ठीक है, प्योर लाइन मेंटेन है दैट इज ओके, बट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है धीरे 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 करके, जो प्रॉब्लम्स एक जनरेशन में आती जा रही है वो आगे भी कंटिन्यू होती चली जाए, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। इसलिए भी कहते हैं कि जो दूर से शादियां करने में भी बेनिफिट बताते हैं, दोनों ही चीजें बहुत सही है बेटा, हर चीज के अपने बेनिफिट और अपने नुकसान भी है, ठीक। लिखो जरा इसको, जल्दी लिखो और मुझे तुरंत मैसेज करो। हो गया, चलिए। अब बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन में एक और आता है उसी के अंदर, बर्ड पॉलिनेशन। ये क्या चीज है बर्ड पॉलिनेशन, मतलब बर्ड अभी फ्लावर ओपन नहीं हुआ, अंदर सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, ठीक है, मेल फीमेल बन चुके हैं, बट वो ओपन नहीं हो पाया, इट इज समथिंग रिजेंबल टू द क्लिस्टोगैमस फ्लावर, बट अलग है चीज, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ये, बड ही रह गई अभी, ठीक है, उसके अंदर ऑर्गन्स डेवलप्ड हुए हैं बट बड ओपन नहीं हुई, पूरा फ्लावर बन ही नहीं पाया, उससे पहले ही पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना होता है बेटा, इसमें एक लाइन लिखेंगे आप, व्हेन सेल्फ पॉलिनेशन अकर एट एट बर्ड स्टेज,
मैं लिख देता हूं सेल्फ पॉलिनेशन अकर एट बड स्टेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर। अभी फ्लावर ओपन ही नहीं होने दिया, पहले ही काम कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल दो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बेटा, राइस और पी, दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड पॉलिनेशन। चलिए ये तो वही रखा है, इसको लिखो जल्दी। और अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए रब करता हूं मैं इसको। अब आएगा बेटा जीनोगैमी, दैट मींस क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो इसकी डेफिनेशन तो वही है जो हम लिख चुके हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ऑफ डिफरेंट प्लांट। आगे एक चीज और इंपॉर्टेंट होनी है बेटा, डिफरेंट प्लांट, यही डेफिनेशन खत्म नहीं करनी, ऑफ सेम स्पीसीज। ऐसा नहीं है कि ग्वावा का पोलन जाकर मैंगो को पॉलिनेट कर दे, फ्यूज कर दे, ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, ये होगी पूरी डेफिनेशन। क्लियर हुई बच्चों? लिख ली ना सबने? हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ, मैं लिख ही देता हूं इसे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to the stigma of other flower, उसके बाद ये कंटिन्यू कर लेना, of different plants of same species। हाँ भाई अर्नब, अनम्यूट करो अपने आप को अर्नब और बोल, ये डाउट मुझे समझ में नहीं आया, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर की क्या बात हुई? सर वो पॉलिनेशन के बाद तो नंबर रिस्टोर हो जाएगा ना, पॉलिनेशन के बाद नंबर रिस्टोर हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर जब वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। हाँ तो वो तो होगा ही भाई, ये तो गैमिट्स वाले हैं, वो तो नंबर रिस्टोर हो गई, वो तो चाहे कोई सा भी पॉलिनेशन के बाद होना ही है, फर्टिलाइजेशन के बाद, मैं समझा कुछ अलग चीज है क्या? ठीक है सर, आप बात कह रहे थे ना। हाँ बेटा सर, ये बर्ड पॉलिनेशन है ये ऑटो, आवाज कट रही है बेटा, दोबारा बोलो सर, ये बर्ड पॉलिनेशन है या ऑटोगैमी है या टाइनोगैमी है? नहीं नहीं नहीं, गिटेनोगैमी नहीं है बेटा, वो ऑटोगैमी है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी तो बीच में माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात?
तो बर्ड पॉलिनेशन में तो चांस ही नहीं है, इट्स लाइक अ क्लिस्टोगैमस, ठीक है, तो उसमें ऐसा कोई चांस ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है कि बाहर से कोई पोलन आए, बर्ड के अंदर ही पहले काम हो गया, ठीक है। आप ऐसा समझो कि पूरे मेल और फीमेल ऑर्गन्स बहुत अच्छे से मैच्योर या डेवलप नहीं हुए, बट पॉलिनेशन हो गया, कुछ प्लांट्स में ऐसा हो जाता है और काम हो गया उनका, ठीक है, राइस में और पी वगैरह में। और बेटा किसी और को कोई डाउट? चलो मैं आपको क्लोज कर रहा हूं। अब इसके बाद हमें क्या देखना है क्रॉस फर्टिलाइजेशन में? सबसे पहले बेटा इसके अडेप्टेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन की तरह छोटी सी चीज नहीं है, इसमें बहुत वाइड पढ़ना है हमें, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, इसमें एजेंट्स के बारे में पढ़ना है हमें, जो पॉलिनेटर्स हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अडेप्टेशन, प्लांट्स ने क्या क्या अडेप्टेशन अपने अंदर की जिससे वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सके, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो अडेप्टेशन, अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो बेटा एक एक करके समझेंगे। वैसे ये तो बड़ी आसान सी एडेप्टेशन जो पहले भी हमने समझी, कोई इनका फॉर्मूला वॉर्मूला या कोई ट्रिक बना के याद रखने की जरूरत मैं समझता हूँ पड़ेगी नहीं आपको, आसान सी चीजें हैं। पहला है बेटा उसमें जैसे बाइसेक्सुअलिटी था, इसमें यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, तो सबसे पहली तो वही बात आ जाएगी। यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जब प्लांट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाएगा, मेल अलग फीमेल अलग, तभी तो बात बनेगी बेटा क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस तभी तो बढ़ेंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर, और अगर एक में बना देगा तो सेल्फ पॉलिनेशन ही प्रमोट हो गया, ठीक। पहली चीज जैसे उसको बेटा मोनोक्लिनी बोला था, इसको हम बोलेंगे डिक्लिनी, क्या नाम और है, वो मोनोक्लिनी था, दैट इज डिक्लिनी, ठीक, तो डिक्लिनी नाम से हो जाएगा पहला एडेप्टेशन। दूसरा एडेप्टेशन आते हैं हम, क्या होना चाहिए, जैसे बेटा उसमें मोनोशियस प्लांट थे, इसमें डायोशियस प्लांट होंगे तभी तो बात बनेगी, ठीक है। और बेटा एडेप्टेशन में आप इसमें मोनोशियस प्लांट भी लिखेंगे, कैसे, टू प्रमोट गिटेनोगैमी। देखो बच्चों गिटेनोगैमी भले ही जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन है, बट गिटेनोगैमी फंक्शनली, हाँ हाइट्रोगैमी पाएंगे अभी हम, फंक्शनली बेटा ये क्रॉस पॉलिनेशन है। और एडेप्टेशन क्या है, देखो एडेप्टेशन एक प्रोसेस होती है बेटा एवोल्यूशन की। अब क्या हुआ था, जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने वाले प्लांट्स होंगे तो उन्होंने अपने अंदर चेंजेस किए होंगे, तो पहले वो गिटेनोगैमी फंक्शन अपनाना शुरू करा होगा उन्होंने, तभी तो धीरे 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 करके आगे जाके इवोल्यूशन हुआ होगा और फिर ज़ीनोगैमी तक पहुंचे होंगे। समझ में बात आ रही है मेरी? तो गिटेनोगैमी भी एक एडेप्टेशन में क्रॉस पॉलिनेशन के लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसके गिटेनोगैमी के एग्जाम्पल्स आपने पूछे थे, अब यहाँ पर ही मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ बेटा, मेज एग्जाम्पल में मेज और कैस्टर, These two are the example of gitenogamy. तो बेटा देखो confused नहीं होना, they are monoecious plant, they are not dioecious plant. Male और female है same plant पर ही, इन बातों में confused नहीं होना, examples के base पर questions put up होते हैं और ये adaptation continue count हो रही है आपकी
क्रॉस फर्टिलाइजेशन की। समझ में आ रही मेरी बात? किसी बच्चे को डाउट इस बात में? जल्दी बताओ। ओके, अब तीसरा आ गया बेटा एडेप्टेशन, डायोशियस प्लांट। भैया ये तो इंपॉर्टेंट है, डायोशियस प्लांट अगर मेल एंड फीमेल सेपरेट प्लांट पर होंगे तो प्रमोट होगा, क्या प्रमोट होगा? जीनोगैमी प्रमोट होगा और ऑटोगैमी और वो प्रिवेंट होंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट्स, पेन की इंक खत्म हो गई, रुक जाओ बेटा, ऑफ डिफरेंट प्लांट्स प्रोमोट जीनोगैमी और प्रिवेंट ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी। ठीक है भैया, लिखो इसको जल्दी। एग्जाम्पल बताओ मुझे डायोशियस प्लांट के, बड़े सारे पढ़े हैं आपने। हाँ भाई ये वाला तो बता दो एग्जाम्पल। पपाया, पपाया तो बच्चे को बड़ा याद रखा है, और कोई एग्जाम्पल? पाम ट्री, वेरी गुड मितेश। ठीक है, और एक और बताता हूं मैं, लिखना लिख लेना, एक्वेटिक में वेलिसनेरिया, ठीक है, वेलिसनेरिया भी बेटा आपका डायोशियस प्लांट में आता है। तो ये एग्जांपल्स भी कभी कभी घुमा के पूछ लिए जाते हैं और बच्चे को बस एक दो कॉमन ही पता होते हैं, कुछ अलग भी पता होना चाहिए। यहां तक हो गया हो तो मुझे बताओ। हाँ, डेट पाम भी इसका एग्जाम्पल है, गुड अशिका। चलिए बेटा लॉक कर दूं। चलिए एडेप्टेशन में अभी कई चीजें बची हैं, ठीक, ऊपर से रब कर रहा हूं मैं। अब एक प्रोसेस है बच्चों जिसे बोलेंगे डिकोगैमी। क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? जैसे होमोगैमी था ऐसे है ये डिकोगैमी। अब आप कहोगे सर इसे हेटरोगैमी बोलो, है ना? तो बेटा ऐसा नहीं है, वो हेट्रोगैमी और वो होमोगैमी जो तुम समझ रहे हो वो अलग चीज है। ठीक है, तो इसका नाम अलग है, डिकोगैमी है, यहाँ पर हेट्रोगैमी नहीं लिख रहा मैं, डिकोगैमी है, उसको होमोगैमी बोलते हैं, वहां कंफ्यूज मत होना। हाँ अर्णव बिल्कुल ठीक बात बोली। अब इसमें क्या हो रहा है कि इन्होंने अपना टाइम चेंज कर देंगे, लाइक मैच्योरेशन का मेल फ्लावर को मैच्योर कर दो, अलग मेल फ्लावर का मैच्योरेशन टाइम चेंज कर दो, प्लांट ने ये एडेप्टेशन कर लिया आपने। ठीक है, डिफरेंट टाइम टू फीमेल फ्लावर मैच्योरेशन। ठीक है, अब देखो इसमें दो कंडीशन आती हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एक कंडीशन है प्रोटेंड्रस, क्या बच्चों ये रेड मार्कर दिख रहा है?
नहीं दिख रहा क्या? शायद नहीं दिख रहा ना। लाजवाब मार्कर खरीद लिया है मैंने। एक है बेटा प्रोटेंडर, सी डिकोगैमी में आता है। अगर बेटा पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाए बिफोर स्टिग्मा मैच्योरेशन, ठीक है, मतलब मेल का गैमिट्स पहले मैच्योर हो गया, वो बिल्कुल रेडी है, और अभी स्टिग्मा रेडी ही नहीं हुआ है, मतलब वो अभी रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रोटेंड्रस। और एग्जांपल है बेटा सनफ्लावर एंड कॉटन, एग्जांपल सनफ्लावर और कॉटन। तो भाई सिंपल है, बड़ा आसान है कि अगर दोनों का टाइम चेंज कर दो तो फिर भले ही वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट क्यों ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट मिल ही जाए, ठीक है, और उसको प्रमोट मिल जाए, उसको सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा, तो ये भी बेटा प्रमोट करेगा किसे, प्रमोट जीनोगैमी और प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक। अब एक कंडीशन तो ये हो गई प्रोटेंड्रस, एग्जांपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी क्या होगी, दूसरी इसकी उल्टी होगी, उसे बोलेंगे प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस, दैट इज बिकम अपोजिट टू प्रोटेंड्रस। देखो गाइनस वर्ड लग गया, ठीक है, वर्डों को ध्यान दो तो रटने की जरूरत ना पड़े। एंड्रस वर्ड लगा है एंड्रोशियम, गाइनस वर्ड लगा है गाइनोशियम। दोबारा बताना सर करना है। देखो बेटा डिकोगैमी क्या होता है कि मान लो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, ठीक है, बट प्लांट ने अपने अंदर क्या एडेप्टेशन करे कि दोनों के मैचुरेशन का टाइम में अंतर कर दिया, जो मैंने आपको पहले बताया था जो सेल्फ पॉलिनेशन में एडवांटेज थी, यहां जो सेल्फ पॉलिनेशन में एडवांटेज बनी हुई थी यहां वो डिसएडवांटेज बन जाएगी, इसलिए उन्होंने टाइम को चेंजेस कर दिया। क्या करा, जैसे एक कंडीशन है प्रोटेंड्रस, उसमें पोलन ग्रेन को पहले मैच्योर कर दिया, इससे पहले स्टिग्मा अभी रेडी नहीं हुआ, ठीक। तो बेटा अब जब पोलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गया तो वो अपने फ्लावर को तो अब पॉलिनेट कर ही नहीं पा रहा क्योंकि स्टिग्मा भी रेडी नहीं हुआ है, तो वो वेस्ट जाएगा, और फिर जब स्टिग्मा रेडी हो जाएगा तो बाहर दूसरे प्लांट के पोलन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। दूसरी कंडीशन है प्रोटोगाइनस, इसमें क्या होगा कि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा, पोलन्स का भी मैच्योर का टाइम ही नहीं आया, और जब स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया तो वो तो बाहर के किसी भी पोलन से पॉलिनेट हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टिग्मा मैच्योर बिफोर पोलन ग्रेन्स एंड रेडी टू एक्सेप्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम अदर प्लांट। इसने भी बेटा क्या करा, प्रमोट कर दिया जीनोगैमी को और प्रिवेंट कर दिया सेल्फ पॉलिनेशन को। नवदीप समझ आया, आप सब बच्चों को क्लियर है ये पॉइंट? चलिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, आपकी क्लास और 10 मिनट ऊपर हो गई है। यस सर क्लियर है, ओके। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है।
माइक ऑन कर सकता है, मैंने माइक ऑन कर सकता है बेटा माइक। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। बॉटनी क्लास बहुत ज्यादा समय चली जाती है। क्लियर सर, ठीक रहती है सर। बेटा बॉटनी का सिलेबस भी सबसे पीछे चल रहा है। यस सर, ठीक है। यस सर, 12 चैप्टर है अपने को। और क्या, सबसे ज्यादा सिलेबस इसी में है। अभी तो तुम्हारी बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी। सर कब खुलेंगे सर स्कूल? अरे यार, अब ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये तो शायद मोदी जी बता सकते हैं। ये तो भैया कोरोना बताएगा या मोदी जी बताएं। सर ये 2 बायोटिक और 1 बायोटिक क्या होता है? एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। 2 बायोटिक और 1 बायोटिक। 2 बायोटिक और 1 बायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक आएगा अभी, वो पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंड है, वो हम समझेंगे। वाटर तो सर एबायोटिक हो गया और बायोटिक इंसेक्ट हो गए। बिल्कुल, जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो एबायोटिक हो जाएंगी। नॉन लिविंग नेचुरल। नॉन लिविंग नेचुरल। सर आप 28 पेज पे देखिए जीआरटी के। एक सेकेंड, जो नेचुरल है वो बायोटिक है सर। सर 28 पेज पे लिखा है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। कौन से पेज पे? 28 पे सर, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हाँ तो क्या लिखा हुआ है, कौन सी लाइन? प्लांट सर शुरू की, प्लांट यूज 2 बायोटिक एंड 1 बायोटिक। अरे तो इसमें बस इतना बता रखा है कि 2 एबायोटिक एजेंट यूज कर रहा है, विंड और वाटर, और 1 बायोटिक मतलब एनिमल्स। ठीक है, और वाकई में बात भी ठीक है, एनिमल्स के अंदर ही इंसेक्ट भी आ जाते हैं और उसी के अंदर सारे कवर हो जाएंगे जितने भी बायोटिक पॉलिनेटर्स है, समझेंगे हम उसको। ठीक है चलो बच्चों, मैं एंड करता हूँ क्लास अब।